हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल इजी कॉन्सेप्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू में भी कुछ हमने इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट थ्री, देखें जरा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमारा बायोगैस एक बेटर फ्यूल होगा, ठीक है। देखिए, बायोगैस इज अ टाइप ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो बायोगैस एक बेटर फ्यूल होगा किससे, एक एनिमल डंग केक से, ठीक है। जो एनिमल डंग केक जो हमारा होता है वो उससे बेटर केक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपला, तो उससे वो बढ़िया, उन्होंने बताया कि उससे बेटर फ्यूल है वो, ठीक है। तो क्यों है, उसके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन उसके दिए हैं, बायोगैस हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। बी है, एनिमल डंग केक हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एनिमल डंग केक की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सी है, नो स्मोक आफ्टर बर्निंग एंड लीव्स नो रेसिड्यू, ठीक है। एंड डी है, नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड देखिए, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बायोगैस एक ऐसा फ्यूल होता है जिसको बर्निंग करने पर कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, और उसको बर्न होने के बाद कुछ भी हमारा नहीं बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पेट्रोल या डीजल को अगर बर्न कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक तो वो होगा कन्वेंशनल फ्यूल है हमारा, ठीक है, और उसको बर्न करने पर हमारा स्मोक की फॉर्म में रेसिड्यूज निकल देते हैं, ठीक है, गैसेज निकल जाती है, तो वो बायोगैस में नहीं होता। तो इसलिए बायोगैस हमारा बेटर फ्यूल होगा देन एनिमल डंग केक, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम काउ डंग सेरी इन द बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो यहां पर है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है काउ डंग से, ठीक है। तो यहां पर देखें, यहां पर है हमारा ऑप्शन, ठीक है, तो ये डंग होगा, ठीक है, चलिए। तो यहां पर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एरोबिक बैक्टीरिया, बी है हमारा एनोरबिक बैक्टीरिया, सी है फंगी, एंड डी है नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, इसका ये वाला करेक्ट आंसर होगा, आप याद रखें, एनोरबिक बैक्टीरिया ही हमारा वो होता है जो कि बायोगैस प्लांट में बायोगैस को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज मीन्स उसकी उसको हम हमारे लिए क्यों वो यूज लेस है, यानी उसके ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि उसकी एक तैयार लिमिटेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिसएडवांटेज होंगी सोलर एनर्जी की, ठीक है, तो यह हिंदी में हम कहें क्या बुराइयां हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दो, फर्स्ट ऑप्शन है अ लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड कलेक्ट द सोलर, ठीक है, एक लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। बी है, डेली एवरेज ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी जो सोलर एनर्जी है वो हमको को जो मिलती है वो 4 to 7 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमको मिलती है। सी है हमारा, हाईली हजार्डस टॉक्सिक मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर डिवाइस, ठीक है। तो इसमें है कि भाई हमारे जो मटेरियल है, हमारा जो यूज होता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल है जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर डिवाइस में यूज होता है, ठीक है। या ऑल ऑफ अबव आर डिसएडवांटेज, या फिर हमारी सारी जो है वो डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स, इसका यही करेक्ट आंसर है, जो हमारी ग्रीन कलर में है वो करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव आर डिसएडवांटेज, यानी जो तीनों पॉइंट है ये इसकी डिसएडवांटेजेस होंगी सोलर एनर्जी की, ठीक है। एंड सोलर एनर्जी कैसा है, हमारा एक नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है, ठीक है। द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, देखिए सोलर कुकर क्या है कि जो सनरेज से जो सनरेज होंगी, यानी इसमें भी देखिए सोलर एनर्जी का यूज होगा, लेकिन हम इसमें इसका यूज करते हैं कि कुकर है नहीं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ओके। तो टेम्परेचर रेंज कितना होगा उसका, तो 550 टू 600 डिग्री सेल्सियस, बी है हमारा 100 टू 140, या सी है 200 टू 250, या डी है हमारा 400 टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर इज टू, रिफ्लेक्टर का यूज क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, जो कि रेज को जिस एंगल से वो आई उसी से रिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टर।
तो जैसे कि अब मिरर होते हैं ना हमारे, मिरर एक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखें, रिड्यूस वेट, वेट रिड्यूस हो जाता है, क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, या सी है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा करेक्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि हमारा जो सोलर कुकर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एक तरीके से उसकी जो कुकिंग कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें, सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कॉपर, कोबाल्ट। फ्रेंड्स इसका आंसर ध्यान रखिएगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन के हमारे सोलर सेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, द मटेरियल यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन द सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल इज। तो सोलर सेल में जो हमारा सोलर पैनल होता है, तो सोलर सेल को जो कनेक्शन किए जाते हैं, इंटरकनेक्शन का कैसे होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, बी है सिल्वर, गन मेटल या कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स सिल्वर के होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं वो, सिल्वर के होते हैं, ठीक है। 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8, टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द, किससे ऑप्टेन्ड होती है, ठीक है, जो हमारी टाइडल एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखिए टाइडल में जो टाइड्स होंगी, ठीक है, जो जो ओशियन होगा, तो उसमें जो टाइड्स होती है वो उस एनर्जी, उससे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। फर्स्ट ऑप्शन देखें, मोशन ऑफ सरफेस वाटर इन द डैम्स, सरफेस वाटर जो होगा डैम्स में, ओशियन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, या टाइड्स अकर्स इन द रेन वाटर, या मोशन ऑफ वेव इन द सी। तो फ्रेंड्स इसका है ओशियन इन द फॉर्म्स ऑफ टाइडल वेव, टाइडल वेव की फॉर्म में अगर हमारी जो जो ओशियन के अंदर अगर टाइडल वेव्स होती है तो टाइडल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय अ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी को हम कहां से और प्राप्त या कहां से हमको मिल सकती है, तो देखें जरा, नैरो ओपनिंग टू द सी, अगर उन जो हमारी ओपनिंग है सी की नैरो कर दें उसको, वाइड ओपनिंग द सी, द रिवर इन हिली ट्रेन्स, या फिर द पॉन्ड्स इन द प्लेन एरियाज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर यही होगा, नैरो ओपनिंग अगर हम किसी की कर दें तो टाइड्स हमारी प्रोड्यूस होने लगेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेव एनर्जी इज कॉज्ड ड्यू टू, वेव एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो देखें वेव एनर्जी, देखिए ये सारी हमारी एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ठीक है, या नॉन ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो इसका ये ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी, अगर हमारी स्ट्रॉन्ग विंग्स ब्लोइंग करती है सी पर, ठीक है, तो उससे प्रोड्यूस होती है, या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पजेस्ट बाई ह्यूज वेव नियर द सी शोर, ठीक है, या जो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो जाती है जो हमारी वेव्स की वजह से, उससे, या अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, या फिर डी है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स देखिए इसके दोनों ही ये करेक्ट आंसर है, ए और बी, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी वाला है, ए एंड बी दोनों से प्रोड्यूस हमारी वेव एनर्जी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्किंग फ्लूड इन ओशियन थर्मल पावर प्लांट से, ओशियन थर्मल पावर प्लांट से वर्किंग फ्लूड क्या है हमारा, ठीक है। तो देखें फर्स्ट ऑप्शन है वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो फ्रेंड्स इसका देखिए ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया जो होती है हमारी, वो ही इसमें वर्किंग फ्लूड होता है ओशियन थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, U235 विल अंडरगो फीजन बाय, ठीक है, किससे फीजन होता है, U235 का यानी यूरेनियम, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखें लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ओनली, किससे फीजन होता है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। देखिए ये हमारे पार्ट टू में भी क्वेश्चन आया था कि U35 में फीजन होता है या फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखें फीजन होता है, ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो वो कैसे होती है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से होती है, मीडियम एनर्जी न्यूट्रॉन से होती है, लो एनर्जी प्रोटॉन से होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान रखें, लो एनर्जी प्रोटॉन से हमारा U235 में फीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, यानी या हाइड्रो पावर प्लांट हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो डैम्स होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हमारे होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो हम जनरेट करेंगे वो करेंगे वाटर से, तो ये भी हमारा कैसा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। उसके बाद देखें, इसका फर्स्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ट बाय द स्टोर्ड वाटर इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टोर्ड वाटर की, वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी में हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पजेस्ड बाय द स्टोर्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या सी है इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका देखिए, ये वाला करेक्ट आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टोर्ड वाटर की, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी जो हमारा जो वाटर होगा, वाटर से टर्बाइन को रोटेट करा देते हैं, टर्बाइन के साथ एक जनरेटर अटैच होता है, और जनरेटर जैसे ही टर्बाइन रोटेट होगी, टर्बाइन जनरेटर को रोटेशन दे देती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज उन्होंने बताया, तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स या नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, सब एक ही चीज होती है। ठीक है, और जिनको हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है? नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, या नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द अल्टीमेट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा होगा हमारा? ठीक है, अल्टीमेट, और कौन सा अल्टीमेट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सीएनजी, सन, कोल, एलपीजी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर सन ही है इसका। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी और अल्टीमेट हमारा एक एनर्जी सोर्स भी होता है सन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने पार्ट थ्री में कुछ एमसीक्यू जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे हमारे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, वो डिस्कस किए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और मैं इसी तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।